इस प्लेस के ठीक सामने आपको हिमालयाज दिखेंगे। तो हिमालयाज की बर्फीली चोटियां दिखेंगी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुबह उठ के सूरज के निकलते ही ये चोटियां चमकने लगती हैं। ठंड ठीक ठाक है, देहरादून में तो है ही, लेकिन धनौल्टी में देहरादून के अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे ठीक पीछे जो है आई लव ऑन द रॉक्स धनौल्टी करके एक एडवेंचर कैंप भी दिख रहा है और रिजॉर्ट भी दिख रहा है। तो चलिए यहाँ किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाती है, क्या यहाँ पर छोटे छोटे वो भी हैं, टेंट वाली फैसिलिटीज़ भी हैं, तो जानेंगे कि क्या प्राइस है, क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है और आपको किस बेस्ट प्राइस पर यहाँ पर ये छोटे छोटे हट्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्या प्लान्स हैं। चलिए चलते हैं सीधे नीचे और जानेंगे इन्हीं से। तो मैं आपको बता दूं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एंट्री ओनली फॉर रेस्टोरेंट एंड स्टे। नीचे हम सीधे जाकर ओनर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। सो हमने आपको, मैं पहले ही बता दूं कि ये एक प्राइवेट प्लेस है, तो अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम आप किसी से यहाँ पर एक बार परमिशन ले लीजिए अगर आप इस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के लिए और बाकी अगर अदर फैसिलिटीज़ को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री फीस लगती है, बाकी अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो उसके लिए नहीं है। सो बेसिकली ये आज से 2-3 साल पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब अच्छा खासा डेवलप किया गया है। ये देखिए ठीक सामने मेरे ये रेस्टोरेंट है, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर प्रॉपर बहुत ही सुंदर है, बहुत शांत है। यहाँ पर बैठकर आप अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं और हरी हरी घास है नीचे, फिलहाल इन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, ठंडा अच्छा खासा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे से इन द सेंस कि एक नॉर्मल से बजट में धनौल्टी प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको टेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, अभी हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि टेंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड वो करवा रहे हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड हैं, किस तरह के चार्जेस हैं और इज़ देयर एनी प्लान, जैसे 3 डेज़ या 2 डेज़ करके होते हैं, तो वो सब जानेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, सीढ़ी से चढ़ते हुए जाना है और ये आगे लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी हैं, इन पर आप चढ़कर जा सकते हैं। और झूले लगे हैं, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लेस है और झूले हैं, बच्चे यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको बहुत सुंदर तरीके से जो है डेवलप किया गया है। आज से 2-3 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब उतना डेवलप नहीं था, तब यहाँ पर ये नाइट स्टे की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर है। अच्छा, मैं थोड़ा इधर जाना चाहूँगी, एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर लिखा है कि आई लव ऑन द रॉक्स धनौल्टी करके लिखा है और इसके ठीक उधर यानी कि इसके ठीक सामने, इस प्लेस के ठीक सामने आपको हिमालयाज दिखेंगे। तो हिमालयाज की बर्फीली चोटियाँ दिखेंगी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुबह उठ के सूरज के निकलते ही ये चोटियाँ चमकने लगती हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तो आप ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, टेंट के क्या प्राइस हैं ये जानेंगे कि जो ये टेंट वाला है इसका प्राइस कितना है। अपने पास जो है 3 वैरायटी के कैंप है जी, एक बेसिक है, हाँ, स्विस है, हाँ, फैमिली है और हिमालयन व्यू कॉटेज है। ओके, ठीक है ना। जो बेसिक के रेट है वो 1600 रुपये है, ठीक है, स्विस के हैं 3500 रुपये है। अच्छा। उसमें 3000 बेड लगा हुआ है एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। अच्छा, ठीक है ना। फैमिली वाला है वो 9000 रुपये के दो है, वो जॉइंट है अपने दोनों। अच्छा, ठीक है ना। फिर हिमालय व्यू कॉटेज है उसका 4500 रुपये रेट है। अच्छा, उसका 45 जी। अच्छा, इसमें वन डे का है ये या कुछ? 24 आवर्स। अच्छा अच्छा, इस तरी और बाकी क्या क्या चीज़ें आप सर्विसेज देते हैं यहाँ पर? सर्विसेज अपने पास जीप लाइन है। अच्छा। बर्मा ब्रिज है जी,
उसमें आप आराम से जा सकते हैं। उसका जो है मतलब जैसे हमारा 300 रुपए रेंट है तो उसका हाफ चार्जिंग भी देते हैं। अच्छा जी। अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। उसके बाद फिर बॉनफायर है। हाँ। जंगल ट्रैकिंग है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जंगल ट्रैकिंग में आप कौन सा एरिया एक्सप्लोर करवाते हैं? एक जंगल का एक दूर ना काफी दूर कसम 1.5-2-3 किलोमीटर है वहाँ, मतलब लेपर्ड एरिया है। अच्छा काफी जगह है, मतलब हम कई बार गए, हमने चीज देखी है। जी जी तो अच्छा है। अच्छा अच्छा और जैसे यहाँ पे कोई थोड़े टाइम के लिए रुकना चाहे तो कुछ डिस्काउंट होता है? जैसे कि तो एक जैसे दो चार दिन के लिए या हफ्ता भर के लिए रुकना चाहे? उनके लिए हम देते हैं, जैसे उनके लिए हम या खाना इंक्लूड कर देते हैं या डिनर कर देते हैं, लंच कर देते हैं, ब्रेकफास्ट उनके लिए इंक्लूड कर देते हैं, तो थोड़ा हाँ। उसका रेट भी कम कर देते हैं। अच्छा रेट भी कम कर देते हैं अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाए। जी जी ये आपने दो एक्टिविटी बताई थी, एक ज़िपलाइन और एक बर्मा ब्रिज, तो इन दोनों के प्राइस भी शेयर कर दीजिए। बर्मा ब्रिज के 300 रुपए हैं। ठीक है। और अपना जी प्लान का 250 रुपए है, जो स्टे करते हैं उनके हाफ रेट भी देते हैं। अच्छा उनको उनको 300 में दोनों राइड करा देते हैं। अच्छा अच्छा अगर आप जो है यहाँ पर स्टे करते हैं तो आपको एक आप ये कह लीजिए कि आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बर्मा ब्रिज है उसका डिस्टेंस कितना होगा? उसमें करीबन हमारे पास उसका 45 सीढ़ियां हैं। अच्छा 45 सीढ़ियां आप लोगों का 100 मीटर से ऊपर ही हो। 100 मीटर से। और जो ज़िपलाइन वाला डिस्टेंस है उसका? ज़िपलाइन छोटे अपने पास। अच्छा ज्यादा मतलब हमने रखा नहीं, स्टे वालों के लिए ज्यादा रखे, जो मतलब बच्चे लोग आते हैं उनको सुविधा देने के लिए, उनको लगे ना कि। जी अच्छा तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि धनौल्टी वाली प्लेस में हमने कई जगह एक्सप्लोर किया, वहाँ पे बड़ी बड़ी ज़िपलाइन है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका छोटा बच्चा भी एडवेंचर कोई एक्टिविटी करे तो उनके लिए यहाँ पर एक ज़िपलाइन एक्टिविटी रखी गई है। डिस्टेंस शॉर्ट है तो जैसे कोई खतरा वतरा तो नहीं रहता? नहीं नहीं उसमें हार्नेस लगता है पूरी सेफ्टी से, उसके जो मतलब लड़का करवाता है उसने पूरा एडवेंचर सीखा हुआ है सब कुछ कराने का। अच्छा अच्छा मतलब आपने एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर रखा है? जी जी तो प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर रखा है, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर है जो जो है ज़िपलाइन की एक्टिविटी करवाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो ये इस जगह को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो आपने देखा कि इस प्लेस को हमने एक्सप्लोर किया, आपको प्रॉपरली बताया, पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम ऐसी ही जगहों को एक्सप्लोर करते रहें और आपके लिए इस तरह की खास जानकारियाँ लाते रहें।